क्या आप भी इंस्टा पर रील्स अपलोड करके उनको ऐसे ही छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपका पेज कुछ इस तरीके का दिखता है? वहीं आपका कॉम्पिटिटर अपनी रील्स में कुछ इस तरीके के रील कवर्स लगाता है जिसकी वजह से आपकी सारी ऑडियंस उसके पास चली जाती है एंड आपके पेज को इग्नोर कर देती है, ठीक आपके क्रश की तरह, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आज मैं आपको सिंपल स्टेप्स में ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल रील कवर बना सकते हो सो दैट जो भी नए लोग आपके पेज पर विजिट करेंगे वो एक एक करके आपकी सारी रील्स देख लेंगे। एंड इन रील कवर की इंस्पिरेशन मुझे निखिल सर के इंस्टाग्राम पेज से मिली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रील कवर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे हम खाना बनाने से पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं ना, सेम उसी तरह। तो सबसे पहले हमें हमारी एक इमेज चाहिए होगी एंड इसका बैकग्राउंड एंड फेस रिटच मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एंड अगर आपको जानना है कि ये मैंने कैसे किया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन हमें कुछ इस तरीके की म्यूजिक वेव्स की इमेज चाहिए होगी एंड देन कोई भी एक सिंपल सा बैकग्राउंड, एंड इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम फोटोशॉप में चलते हैं। सबसे पहले हम एक कैनवस क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ न्यू फाइल पर क्लिक करना है एंड विड्थ में 1080 एंड हाइट में 1920 डाल देंगे। एंड मेक श्योर ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल हो, बिकॉज इंस्टाग्राम ऐसे होता है ना कि ऐसे। देन क्रिएट पे क्लिक करना है। अब हम इस पे हमारे बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एंड उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। नाउ बैकग्राउंड पर थोड़ा ब्लर ऐड करेंगे बाय गोइंग टू फिल्टर, देन ब्लर एंड देन गॉशियन ब्लर। ओके, तो अब कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड सॉलिड कलर चूज करेंगे। मैं यहाँ पर पर्पल कलर चूज कर लूंगा एंड आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो। एंड इस वाली लेयर के ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम हमारी प्यारी सी इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एंड उसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स ऐड सम लाइट्स। तो उसके लिए कलर फिल वाली लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। उसके लिए बॉटम राइट कॉर्नर में न्यू लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन टूल बार में से ब्रश टूल को लेना है, राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को जीरो कर लेना है एंड ओपेसिटी को 9 से 10% या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड हमारी प्यार इसी फोटो के पीछे प्यार से टैप्स करेंगे लाइक दिस। अब इस वाली लेयर के नीचे एक न्यू लेयर बनाएंगे एंड इस बार कलर को पर्पल कर लेंगे एंड अगेन हल्के से टैप्स कर देंगे लाइक दिस एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर देंगे। ओके, तो अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो उसके लिए टूल बार में से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड कैनवस पर कहीं पे भी क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा बाय प्रेसिंग Ctrl+J। Ctrl+J से मुझे याद आया कि एक भाई ने कमेंट करा था मेरी वीडियो पे कि ऑल्ट होल्ड कैसे करते हैं। आर यू कॉमेडी मी? मैं पहले ही बता देता हूँ, इस भाई से कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बताता हूँ आपको ऑल्ट कैसे होल्ड करते हैं। तो आप देखना आपके कीबोर्ड में स्पेस बार जो होता है उसके बगल में एक बटन होगा एंड उसके ऊपर ऑल्ट लिखा होगा। तो ऑल्ट होल्ड करने का मतलब है कि आपको वो वाला बटन दबा के रखना है। एंड भाई अगर आपको अभी भी ऑल्ट होल्ड करना नहीं आया तो मेरे को एक बार कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड ट्यूटोरियल भी बना दूंगा। सो हम ट्यूटोरियल पे वापस आ जाते हैं, रील कवर वाले ट्यूटोरियल पे। तो टेक्स्ट लेयर का कॉपी बनाने के बाद हम इसमें जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लेंगे एंड Ctrl+T प्रेस करेंगे एंड इसको वोकल के साइज का कर देंगे लाइक दिस। अब इन दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड Ctrl+G प्रेस करेंगे टू ग्रुप देम एंड इस ग्रुप को अपने सब्जेक्ट की लेयर के पीछे ले जाएंगे। नाउ Ctrl+T प्रेस करेंगे टू ट्रांसफॉर्म। सो एज यू कैन सी आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, तो आपको Ctrl+Shift होल्ड करना है। अब तुम लोग ये मत पूछने लग जाना कि Ctrl+Shift कैसे होल्ड करते हैं। एंड इस वाले स्क्वायर को माउस से ड्रैग कर लेंगे ऊपर की तरफ like this. So, इससे टेक्स्ट टिल्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे एंड टिल्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे। नाइस। नाउ हम ग्रुप की एक कॉपी बनाएंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+J एंड Ctrl+T प्रेस करके इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं लाइक दिस। फिल को हम 0% कर देंगे, देन ग्रुप पर डबल क्लिक करेंगे एंड स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे एंड स्ट्रोक का कलर व्हाइट एंड स्ट्रोक का साइज 6 कर लेंगे। देन क्लिक ऑन ओके। नाउ Ctrl+J प्रेस करके इस ग्रुप की एक कॉपी बना लेंगे एंड Ctrl+T प्रेस करके इसको ऊपर ले जाएंगे लाइक दिस। अब इन स्ट्रोक वाले ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे एंड Ctrl+G प्रेस करेंगे टू ग्रुप देम एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। ओके, तो अब हम म्यूजिक वेव्स वाली जो इमेज थी उसको ऐड करेंगे एंड इसको सब्जेक्ट के पीछे ले जाएंगे एंड Ctrl+T प्रेस करके इसको एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। Beautiful. अब हमारा रील कवर ऑलमोस्ट रेडी है। नाउ लेट्स एड सम कैमरा रॉ फिल्टर एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट।